बलराम भाई नमस्कार। नमस्ते भाई। मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के बारामती से। ओके। किरण वाई से मेरा नाम है जी। किरण भाई, मैंने 21 फरवरी को 2020 पपीता लगाए है एक एकड़ में, तकरीबन 900 पौधे है। आज तारीख है 4 अप्रैल 2020, तकरीबन 1.5-2 महीना हो गया। ये मेरा पपीता का खेत है। ये इस पपीता की ग्रोथ है अभी, पौधे की सभी एक समान है और एक भी पपीता खराब नहीं हुआ लगाने के बाद भी। मेरे हिसाब से अभी तक तो अच्छा है। सिर्फ मेरी एक गलती हुई है, इसमें ये अंतर पिक किया, मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। गलत है ही, 100 गलत है। पपीते का अंतर पौधे से पौधा 6 फीट है और ड्रिप से ड्रिप 8 फीट है। सारे हिंदुस्तान के पपीता लगाने वाले मित्र यहीं पर मार खाते हैं, लाइन से लाइन दूर कर रहे हैं जिसमें ड्रिप कम हो रही है। सभी मित्रों से निवेदन है जो पपीता लगा रहे हैं, हिंदी में एक बात समझो, लाइन से लाइन दूर करते हो आपका ड्रिप कम होता है, ड्रिपर कम होता है, पानी कम जाता है। जब अक्टूबर में पौधे में फल रहता है, जब उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, जब उसकी रूट डेवलपमेंट में कम इरिगेशन होता है, तो वहाँ से अक्टूबर लास्ट से खेत में वायरस एंट्री होता है। अभी कितना भी अच्छा चलेगा, नवंबर में आपके खेत में वायरस निश्चित आएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। या तो 5 फीट के ऊपर जा रहे हो तो डबल ड्रिप करो, अंतर्वर्ती फसल लगाना एक सिरे से बाहर करो। आपने यहाँ पर ये जो लगा रखा है, इसको जब निकालोगे ना, जड़ें टूट फूट कर पपीता को ख़त्म कर देगी। यह जब नाइट्रोजन देगा, मूंगफली नीचे से कुछ अलग खाद देता है, वो जब देते रहेगा तो आपके पपीते को अच्छा लगेगा। लेकिन जब ये निकाल दोगे, उससे जो इंजरी आएगी आपके पूरे बेड में टूट फूट करके, तब पपीता ख़राब होगा। अभी समय है, बचपना है, निकाल करके इसको कचरे की मल्चिंग कर दो, खरपतवार की मल्चिंग कर दो, डबल ड्रिप कर लो। अब 8 फीट पे आप पौधा लाइन से लाइन कर चुके हो, लाइन से लाइन 8, पौधे से पौधा 6, इसमें क्या हुआ, 8×6=48, मैं बोल रहा हूँ 5×9 मतलब 45 स्क्वायर फीट। आपने 8×6 लगाया, इसमें भी आपके पौधों की संख्या तो कम ही होगी ना। आपने जो लगाया है 43,560 × 48, आपके एक एकड़ में 907 पौधे आ रहे हैं। मैं जो बतला रहा हूँ सभी किसान मित्रों को ग्राफ, 5 फीट पे ड्रिप, 9 फीट पे पौधा, उसको लगाना है झिकझिक, उसमें आते हैं 968 पौधे, आप लगा रहे हो 900 पौधे। एक तो मैं पौधे भी ज़्यादा लगवा रहा हूँ, दूसरा उसमें सराउंड ग्राफ रहता है, ड्रिप की संख्या ज़्यादा रहती है। 5 फीट पर ड्रिप रहेगी तो 2750 मीटर ड्रिप रहती है। यह ड्रिप आपको काम में आएगी जब फ्रूट सेटिंग होगा, अक्टूबर लास्ट में, नवंबर में, 15 अक्टूबर के आगे पीछे, जब ज़्यादा पानी चाहिएगा, ज़्यादा फर्टिगेशन चाहिएगा, जब पौधे को पिकअप चाहिएगा उस समय। ये गलतियाँ जो भी किसान मित्र ये पपीते वाले वीडियोस देख रहे हैं, तुरंत सुधारो। जिसका चौड़ा पट्टा हो गया हो, ड्रिप खरीद कर डबल ड्रिप डालो या फिर नाली से पानी चालू करो अभी से, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। वरना निश्चित है, तैयार हो जाओ, पपीते में वायरस आएगा, आपका प्लॉट खराब होगा। सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम आया है जी, 900 पौधों में से एक दो जगह ऐसा प्रॉब्लम आया है, वो दिखाता हूँ अभी। ऐसे दो पौधे यहाँ से कट गए हैं, ऐसे रिंग वगैरह। ब्रदर ये कट नहीं गया है, इसे सेमड़ा चिपचिपा एक कीड़ा आता है, उसने इसकी छाल खा ली है। अभी मैंने एक मित्र को नर्सरी वाले को गाइड किया था जस्ट पिछले वीडियो में, वो छाल खा लेता है, फिर वहाँ पानी से फंगस आती है, टूट के गिर जाता है। एक तो वो गड़बड़ करता है, या फिर वाइट ग्रब, गोबरेला कीड़ा जिसको बोलते हैं, गांडुली, ये आपके तने को खा चुका है, उससे गड़बड़ हुई है। इसके लिए डेंटाशो की ड्रेंचिंग करना पड़ती है पौधे के आसपास, या फिर क्लोरोसाइपर की ड्रेंचिंग करना पड़ती है पौधे के आसपास। आपके पास ड्रिप है तो ड्रिप से भी आप चला सकते हो। एक 200 लीटर पानी के अंदर आपको 500 ml क्लोरोसाइपर का कॉम्बिनेशन आता है 50-5 का, और उसमें 10 किलो यूरिया डालना है और पूरे खेत में चलाना है।
यूरिया के कॉम्बिनेशन से क्लोरोसाइपल का पावर बढ़ जाता है, उसकी फ्यूम पिकअप बढ़ जाता है, वह ज्यादा दिनों तक असरदार रहेगा। हुआ था तो इसके लिए क्या करना चाहिए अभी? जी वही बताया मैंने अभी। और पानी में कितना देना चाहिए अभी? तकरीबन 1.5-2 महीने के पौधा हो गए तो पानी अब कितना देना चाहिए ये थोड़ा मुझे बताइए। ब्रदर ये जो है ना चौड़ा पट्टा, यही गड़बड़ है आपके खेती करने में, दिक्कत यही आएगी, पपीता को दिक्कत ला देगा ये आगे भविष्य में। पानी कितना देना ये आप पूछ रहे हो, प्रति पौधे को आज की कंडीशन में अप्रैल चालू हो गया है, 2 लीटर पानी चाहिए इस टेम्परेचर में। अभी आपका 2 लीटर डिस्चार्ज हो तो 1 घंटा चलाना है पर डे, अगर 4 लीटर डिस्चार्ज हो तो आधा घंटा चलाना है, अगर 1 लीटर डिस्चार्ज हो तो 2 घंटे चलाना है। और डबल ड्रिप की व्यवस्था करो, खरपतवार के लिए कचरे की मल्चिंग करो आपके खेत में, पपीता जब ही सक्सेस होगा। सिंगल ड्रिप है क्या बोलूँ, नुकसान तो होना ही है अक्टूबर लास्ट में, डबल ड्रिप कर लो या नाली से पानी देना चालू कर दो। मित्र आगे जो फर्टिगेशन शेड्यूल्स वगैरह चाहिए गए मैं BFS का फॉर्म भेजूंगा, उसे सबमिट कीजिए भर के। ये मेरा पपीता का खेत है अभी। अभी तो बहुत अच्छा सेटिंग है आपका, पपीता एकदम एक्सीलेंट है आज की तारीख में। और मुझे आपकी गाइडलाइन चाहिए। आपने जो महाराष्ट्र के लिए नंबर दिया था उसी पर मैंने कॉल भी किया था 2-3 बार, मगर उन्होंने रिसीव किया नहीं है। वापस फोन आएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मित्र आपको बैलेंस फर्टिगेशन फॉर्म भेजता हूँ, आप वो फॉर्म सबमिट कीजिए, हम आगे साथ में बढ़ेंगे। आज की तारीख में बहुत अच्छा एक्सीलेंट आपका प्लांट है, लेकिन आगे जो मैंने प्रकोशन बताया उसे फॉलो कीजिए। जो भी मित्र मेरा ये वीडियो देख रहा है, तमाम किसानों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, किसान खुद ही किसान की मदद कर सकता है। अनभिज्ञ है फार्मर, जहाँ तक जानकारी नहीं है वो इसी तरह से गड़बड़ियाँ कर रहे हैं और जानबूझकर पपीता में वायरस की एंट्री करने के लिए ग्राफ वैसा ही लगा रहे हैं। मैं बलराम किशन, बड़वानी मध्य प्रदेश से। मित्रों मैंने निश्चित ठान लिया है हर केले और पपीते के किसान को सक्सेस करना, कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन लाना, किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा की मुहिम पर मैं काम कर रहा हूँ। आप सबके सहयोग से कुछ नहीं होगा, आपको YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये बातें भेजना है, जो अच्छी लगे, जो बुरी लगे उसे वहीं छोड़ दो, डिसलाइक कर दो, ठीक है। ये मित्र ने जो आज फोटोज़ भी भेजे हैं, जो गड़बड़ी हुई है, यह एक कीड़ा आता है जो यहाँ पर छाल को खा लेगा, वहाँ पर फिर पानी लगने से फंगस आकर के पपीता इंजर्ड हो जाएगा। और ब्रदर आपका जो पपीता है ना कोमल है, ये पूरा ग्रीन ग्रीन है, यहाँ पर हार्डनिंग का सिम्टम नहीं आया है, पौधा नाजुक जैसा है, पूरा ग्रीन है, यहाँ पर ब्राउनिश कलर का हार्डनिंग का सिम्टम आना चाहिए, मतलब पानी की खेच भी देना है आपको, पानी कम भी करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कचरे की मल्चिंग करो और चीज़ें फॉलो करो मित्र। थैंक यू, मैं बलराम किशन, बड़वानी मध्य प्रदेश से।